गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं आपको पर्सनल लाइव मिल रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से। आज हमारे टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री है ये, और ये बेसिकली 4 to 5 मार्क्स का होता है। सीबीएसई में से न्यूमेरिकल्स होंगे, जैक स्टेट बोर्ड में जो होता है ऐसे डेफिनेशंस होते हैं, बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं या डेरिवेशन हो सकता है स्टेट बोर्ड में। सीबीएसई में सिर्फ न्यूमेरिकल्स होगा, इससे लॉग से रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल होगा, डेरिवेशन भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद हमें पढ़ना होगा एक ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, उसके बाद सीबीएसई के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा अर्हेनियस इक्वेशन, और इसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली स्यूडो मींस। ये स्यूडो, इसको पी है ना, यहाँ पे ये पी को साइलेंस रहेगा ना, जब आप इसको उच्चारण करेंगे तो पी क्या रहेगा, साइलेंस रहेगा, ओनली स्यूडो, पी नहीं बोलना है। स्यूडो का मतलब होता है प्यारे बच्चों, स्यूडो का मतलब होता है भाई साहब फॉल्स, क्या होता है फॉल्स, या आप इसको कह सकते हैं फेक, कह सकते हैं फेक मतलब फर्जी, फॉल्स गलत, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्या समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब, मैं अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब समझा रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहता है कि अगर कोई मान लीजिए रिएक्शन है ए प्लस बी टेंड्स टू प्रोडक्ट, रिएक्शन है इसमें ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, और फाइनल क्या बन रहा है, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा भाई साहब, प्रोडक्ट बनेगा। अब हम जानते हैं कि रिएक्शन कितना तेजी से होगा ये डिपेंड करता है ए और बी दोनों पे, जितना ज्यादा इनका मॉलिक्यूल्स रहेगा आपस में कॉलिजन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा कॉलिजन होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हमने बताया कि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम जानते हैं ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई। कहां से आया ये, रेट लॉ से, कहां से आया, रेट लॉ से। हम जानते हैं, इसे हमने एग्जांपल भी दिया था कि मेरे दो बेटे हैं ए और बी, मेरे दोनों बेटे मेरे घर का खर्चा उठाते हैं, ठीक है, लेकिन ए कितना उठाता है और बी कितना उठाता है। तो अगर ए कितना उठाता है, सपोज दैट ए मेरा बेटा जो बड़ा बेटा है वो मेरे घर का 80% खर्चा उठाता है, तो हम एक्स के जगह पे लिखेंगे 80, 80। बी वाला बेटा मेरे घर का कितना खर्चा उठाता है, 20%, छोटा बेटा है ना, तो क्या लिखेंगे 20। यानी एक्स और वाई क्या लगा समझना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ए पे भी डिपेंड करता है और बी पे भी डिपेंड करता है जनरली, ठीक है। तो वहां पे ए और बी कितना, ए पे कितना डिपेंड करता है और बी पे कितना डिपेंड करता है, इसलिए हम यहाँ x और y लगाए, समझ में आया x और y क्या मतलब है। लेकिन कभी कभी ये सब चीजें x और y, a बेटा कितना देता है b बेटा कितना देता है, तो ये सब चीजें हम देख करके रिएक्शन नहीं बता सकते हैं, ये चीजें एक्सपेरिमेंट से आती हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर x का वैल्यू दे दिया है 1 और b का, y का वैल्यू दे दिया है 0, यानी कि इसको लिखा है इज इक्वल टू k, a का पावर 1 और b का पावर 0, यानी कहने का मतलब एक ऐसा परिवार है, मतलब मान लो मेरा ही परिवार है, तो ए में जो मेरा बेटा है, मेरे दो बेटे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बड़ा बेटा है मेरे घर का खर्चा उठाता है तो मेरे दो बेटे हैं लेकिन सिर्फ खर्चा कौन उठा रहा है, एक ही बेटा उठा रहा है, कहने के लिए दो बेटे हैं लेकिन खर्चा कौन उठा रहा है, सिर्फ एक बेटा उठा रहा है, एक बेटा तो नहीं उठा रहा ना, तो हम क्या बोलेंगे उसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गया, वैसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और दूसरे रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
अब बात करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम चीज है या अलग अलग है। तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो रेट होता है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है ओनली। लेकिन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज एक्चुअली अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान समझिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ही, बट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बट इफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस एज कंपैरिजन टू अदर रिएक्टेंट, देन द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन दैट रिएक्टेंट हुज अमाउंट इज मच हायर एज कंपैरिजन टू अनदर वन। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मैंने क्वेश्चन से कराया था, मैंने बताया था कि जो रेट इज इक्वल टू होता है के ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई, ये क्वेश्चन कराया हमने एक्सरसाइज में, और हमने बताया कि जो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होगा, रिएक्टेंट तो दोनों मौजूद है ए और बी, रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए एक ड्राम पानी में दो बूंद गुलाब जल, हमेशा सर एग्जाम्पल देते हैं ठीक है समझने के लिए, एक ड्राम पानी में दो बूंद गुलाब जल, भैया एक ड्राम पानी है, इतना ड्राम पानी है उसमें दो बूंद गुलाब जल डाल दिए हैं आप, तो एक ड्राम पानी के कंपैरिजन में दो बूंद गुलाब जल तो बहुत कम कंसेंट्रेशन है ना। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो वाटर पे डिपेंड नहीं, क्योंकि वाटर क्वालिटी बहुत ज्यादा है, चेंजेस कौन ला रहा है कंसेंट्रेशन में, चेंजेस कौन ला रहा है उस कंडीशन में, गुलाब जल एक बूंद दो बूंद तीन बूंद। तो कहने का मतलब जो बहुत ज्यादा अमाउंट, जैसे यहाँ पे कहने का मान लीजिए कि ए वाटर है और ए बहुत ज्यादा एक ड्राम पानी है, जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा उसका पावर यहाँ क्या कर दिया जाता है, जीरो, क्या कर दिया जाता है जीरो, और बी का पावर वन। यानी अब बताइए इसका एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया भाई, एक्स प्लस वाई क्या होता है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्स के वैल्यू कितना जीरो, वाई के वैल्यू कितना वन, जीरो प्लस वन कितना वन। देखने में लग रहा था कि ये एक ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा, रेट इज इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई, लेकिन जब ए और बी के कंपैरिजन में कोई एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो एज कंपैरिजन टू अदर, तो जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है उसका पावर, उसका ऑर्डर को हम लोग जीरो कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है। अब कहने का मतलब मान लो मैं कंपनी चलाना चाहता हूँ, ठीक है मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो आप मेरे पास आते हैं कहते हैं मैं सर मुझे भी आपके कंपनी में पार्टनरशिप बनना है, तो ये कंपनी में 10 लाख का सेटअप कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए इसका इन्वेस्टमेंट है, तो आप कह रहे हैं सर 1000 मेरे पास है हमको भी पार्टनरशिप कर लीजिए सर। अब जहाँ मैं 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ तुम्हारे 1000 से खास फर्क हमको नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम 1000 रुपया दे रहे हो, 2000 रुपया दे रहे हो, तुम जितना दोगे, मेरे पास 10 लाख तो है ही, हम तो कंपनी तुम्हारी ऐसे ही है, मेरा बात छोड़ो गोली मारो, तुम्हारा कितना हिस्सेदारी है उस कंपनी को चलाने में, तुम्हारा क्या रोल होगा, तुम जितना पैसा लगाएगा, 1000 लगाएगा तुम्हारी औकात 1000 के बराबर होगी, 2000 लगाएगा तुम्हारी औकात 2000 के बराबर होगी, 3000 लगाओगे तुम्हारी औकात 3000 के बराबर होगी। तो कहने का मतलब कंपनी में शेयरिंग, मैं तो कंपनी का मालिक तो मैं हूँ, 10 लाख रुपये लगाया हूँ, लेकिन अगर कोई कहेगा पार्टनरशिप भी है तो क्या बोल के बोलेगा, पार्टनरशिप 1000 लगाया है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप तुमको बढ़ाना है तो तुम बोलो ना 1000 2000 3000, यानी कि पार्टनरशिप किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ आप पे डिपेंड कर रहा है कि तुम 1000 लेके मेरे पास आए, वही 2000 तुम कर दोगे 3000 कर दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, बाकी मैं तो मालिक हूँ ही, तो वही क्या मैं पानी हूँ, मतलब मालिक मतलब मैं पानी हूँ और तुम क्या हो गुलाब जल हो, तो तुम्हारा तुम कितना लेके आते हो तुम पे डिपेंड करेगा रिएक्शन का रेट। हम तो भैया अथाह है, अनलिमिटेड है वाटर एक ड्राम पानी। तो कहने का मतलब जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो दूसरे रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसका जो ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है उसका जीरो हो जाता है, बाकी क्या हो जाता है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है।
तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एक्चुअली अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बट ड्यू टू लार्ज एक्सेस ऑफ एनी वन रिएक्टेंट इट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर. इट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर. इट इज एक्चुअली अ सेकेंड ऑर्डर बट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर. नोट पढ़िएगा अच्छे से इसको. डिफरेंस क्या समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर है ही बट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एक्चुअली अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. बस समझ में आ रही है? इसका एग्जांपल क्या होता है भाई? तो यहां पे स्यूडो का मतलब समझ में आया? फॉल्स. फॉल्स मतलब देखने में तो लग रहा है कुछ और लेकिन है कुछ और. बात समझ में आ रहा है? कहावत है झारखंड बिहार में, ऊपर से फिट फाट और अंदर से मोकामा घाट. मतलब कहने का मतलब ऊपर से बड़ा अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से खोखला है. तो कहने का मतलब वही चीज है, देखने में लग रहा है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. ए पे भी डिपेंड कर रहा है, बी पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है. तो 1+1=2 हो रहा भाई साहब. लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इसका एक एक्सेस ज्यादा होने के लार्ज एक्सेस होने के कारण एक हम लोग इग्नोर कर देंगे ये फर्स्ट. अच्छा अब सवाल आता है क्या इस हिसाब से तो स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी होना चाहिए? इस हिसाब से स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और होता भी है. कैसे होता है भाई देखें. देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, रेट इज इक्वल टू ए का पावर टू, सॉरी रेट इज इक्वल टू के ए का पावर टू एंड डी. चलो ये मान लो तुम्हारा एक रेट लगा दिया है. अब तुम्हारा भाई साहब बी जो है वो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है. ए दो रिएक्टेंट जो है ए और बी, उसमें से बी जो है वो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है. तो क्या करोगे? बी का पावर क्या कर दोगे भाई? जरा बता रहा मैं प्यारो, के ए का पावर टू एंड बी का पावर क्या कर दोगे भाई साहब? जीरो कर दोगे. ऑफ कोर्स जीरो कर दोगे ना भाई, क्योंकि लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है. तो यहां पे क्या हो गया बताओ? x plus y is equal to होता है n. चलो बोलो x का वैल्यू कितना, 2, y का वैल्यू कितना, 0, 2 plus 0. सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. थर्ड ऑर्डर का हम लोग पढ़ ही नहीं रहे, फिर बात खत्म करेंगे. और जीरो ऑर्डर है भाई, सूडो ऑर्डर को कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, इसका एग्जांपल एग्जांपल याद के बच्चे ध्यान देंगे. सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका डेफिनेशन आएगा. ध्यान रहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ये सीबीएसई में आएगा. जैक में क्या गया, व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन इट विद एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल. एग्जांपल देते हैं, आपके पास क्या है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. इसका मतलब क्या, आपके पास क्या है, इथाइल एसीटेट है CH3COCH2H5 और वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं. एसिड का प्रेजेंस है H+. अब यहां पर एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, लेकिन ये वाटर जो है वो इथाइल एसीटेट के कंपैरिजन में वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है. तो जब बहुत ज्यादा है इसका अमाउंट, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन देखने से तो लग रहा है इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करेगा, दो रिएक्टेंट है दोनों पर डिपेंड करेगा. लेकिन एक्चुअल में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का रेट इस इथाइल एसीटेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो इसका हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन जो ये बना क्या है, एसिटिक एसिड और क्या बना है, इथेनॉल. तो जो इसका जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो सिर्फ इथाइल एसीटेट पे डिपेंड करेगा, वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इथाइल एसीटेट के. और जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होता है. सेकेंड है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, गन्ने का रस जो होता है वो केन सुगर कहते हैं. C12H22O11 इसको अपन सुक्रोज बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? सुक्रोज. क्या है? वाटर एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है. भैया जो आप रोटी चावल खाना खाते हो ये तो खाते हो, पानी पीते हो, पेट में एसिड होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है. ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स हैं, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनका ये फंक्शनल आइसोमर्स है. फंक्शनल ग्रुप इसको आयरोहेक्सोज बोलते हैं, कीटोहेक्सोज बोलते हैं. इसमें एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, प्राइमरी बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर फिलहाल आपने समझ लिया कि सुक्रोज है. सुक्रोज को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं एसिड के प्रेजेंस में तो क्या बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज. यहां पर भी क्या है, वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का रेट इस पर डिपेंड करता है. खाना पचाने में जरूर मदद कर रहा है लेकिन खाना क्या खा रहे हैं आपका शरीर उसी पर बनेगा. पानी से शरीर नहीं ना बनेगा पूरा यार, खाली पानी पी रहे तो बॉडी बन जाएगा. पानी के साथ क्या खा रहे हैं मैटर ये करता है. पानी तो है ही, ये बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया.
पानी जो आप पी रहे हैं, लेकिन पानी के साथ क्या खा रहे हैं, आपका बॉडी बनेगा किस पे, आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रिएक्शन का रेट हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन आपका शरीर कितना लग रहा है ये किस पे निर्भर कर रहा है, पानी पे। पानी तो क्या है ही, पानी नहीं रहेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो पानी पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं इस पे मैटर करता है। आप रोटी खा रहे हैं या तंबाकू खा रहे हैं ये निर्भर करता है, तंबाकू खाएंगे रिएक्शन वैसा ही आपके बॉडी में होगा, आप रोटी खाएंगे वैसा ही रिएक्शन होगा। एग्जांपल दे रहे हैं समझाने के लिए, आई थिंक आया। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा क्या है ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें मैंने ये लिखा है कि जो रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसिटेट पे डिपेंड कर रहा है, और इस रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज पे डिपेंड कर रहा है, बस यही बात लिखी हुई है। ठीक है, नोट पढ़ेंगे बारीकी से समझेंगे। इसमें एक और का टॉपिक डिस्कस किया जा सकता है, यस ठीक है, ओके, बाकी कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई साहब, अगला टॉपिक है आपका कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेशन एनर्जी, इसका अगला टॉपिक है, हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, कैसे कोई रिएक्शन होता है, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, ध्यान समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ तुरंत।